बैक टू माई चैनल। सो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है काफी ज्यादा स्पेशल। यस, तो आज ना हम दोनों बैठ के स्पेशल एक वीडियो बना रहे हैं और हम एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं पब्लिकली। यस, कि वी आर एक्सपेक्टिंग अवर फर्स्ट बेबी। और पता है हर बार क्या होता था, आप लोग ना कॉमेंट्स करते थे, बहुत ज्यादा बार कॉमेंट आए कि आप प्रेगनेंट हो, आप प्रेगनेंट हो, आप प्रेगनेंट हो। बट ये फर्स्ट टाइम है कि ऐसा कुछ कमेंट नहीं आया है इतने ज्यादा टाइम से। मतलब फर्स्ट टाइम है जब मैं एक्चुअली मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब ये कमेंट नहीं आया। वरना हमेशा ये कमेंट्स आते थे कि आप प्रेग्नेंट हो, बल्कि वो मेरा वेट होता था। अब कोई कमेंट नहीं आता था, आई वाज लाइक यार इस बार कोई कमेंट नहीं कर रहा है। सो फाइनली वी आर रिवीलिंग कि आई एम प्रेग्नेंट। और मतलब मेरे व्लॉग्स ना बहुत ही अप एंड डाउन गए, इस वजह से हम लोगों ने प्लान किया कि चलो फाइनली रिवील करते हैं। और अभी ना व्लॉग्स में थोड़ा सा ऐसे चल रहा है अप एंड डाउन, क्योंकि मेरी हेल्थ मतलब ठीक नहीं है, ज्यादा अच्छी नहीं रहती है। और क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सुबह मेरे को उठ ही नहीं पाती है। हाँ, इतना बहुत बार ऐसा बहुत होता है, कभी बॉडी में पेन हो रहा है, कभी चक्कर आ रहे हैं, कभी वॉमिटिंग जैसा लग रहा है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो व्लॉग्स भी कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो लेट्स रिवील दिस थिंग, ताकि आप लोग भी समझो कि व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं। और और बस यही हमारी लाइफ का सबसे ज्यादा मतलब स्पेशल मोमेंट है हमारी लाइफ का, और इस फेज को हम बहुत ज्यादा एंजॉय करना चाहेंगे। और लेट्स सी सब कुछ अच्छे से जाए। बस आप लोग का प्यार मिलता रहे, आपकी ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और बाकी आगे आगे आप देखते रहिए कि कैसे कैसे हमारी जर्नी रहेगी, जाने वाली है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स मिलने वाले हैं। एंड अगर आप लोग मेरे प्रेगनेंसी रूटीन्स और हाँ, अभी मेरा कौन सा मंथ चल रहा है, लाइक फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, सेकंड ट्राइमेस्टर है, कौन सा मंथ है, ये आपको पता चलेगा कब, आने वाले ब्लॉग्स में। ये अभी थोड़ा सा सस्पेंस है कि कौन सा मंथ है। वैसे हमारा पता है जब हमारा फर्स्ट स्कैन हुआ था ना, हम बहुत एक्साइटेड थे उस स्कैन के लिए। एंड जब वो एक्चुअली में हुआ तो मतलब नेक्स्ट लेवल फीलिंग थी वो। हम हाँ मतलब जब हमने हार्ट बीट सुनी ना, जब तक मतलब हमें जैसे पता चला, बट जब फर्स्ट स्कैनिंग हुई तब तक हमें मतलब वो नहीं था उससे पहले तक कि मतलब रियलिटी में आई की ओ वी आर गोइंग टू माय पेरेंट्स। मतलब अभी तक तो हमें लग रहा था कि मतलब जब वो चीज हुई ना, तब हमें थोड़ा सा वो हुआ कि ओह मैच्योरिटी लेवल हमारा थोड़ा सा हाई हुआ। एंड वो सारे वीडियोस ना आपको देखने को मिलेंगे। और एक चीज और बताती हूँ, जब मैंने लाइव प्रेगनेंसी टेस्ट किया था तो उसका भी मैंने वीडियो शूट किया, वरुण का जो रिएक्शन था वो मैंने सब कुछ शूट कर रखा है। तो वो आपको ना धीरे धीरे ब्लॉग्स मिलते रहेंगे। और मेरा व्हाट आई ईट इन अ डे, मेरा रूटीन कैसा जा रहा है, कौन सा मंथ है, क्या क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस की हैं। और मतलब हर किसी की प्रेगनेंसी ना अलग होती है, हर कोई बहुत इंजॉय करता है, कोई अप्स एंड डाउन्स में रहता है, किसी को वोमिटिंग होती है, किसी को नहीं होती है। मतलब हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी के हार्मोन्स अलग होते हैं, हर किसी की प्रेगनेंसी ना अलग होती है। सो मेरी बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत ज्यादा मतलब वाकई में काफी टफ टाइम रहता है। हाँ, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मतलब सामने वाले को ऐसा लगता है कि एकदम से क्या ही हो रहा है, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, अचानक पेन हो जाता है, कभी भी कुछ भी अचानक कर रहा है, खाने का मन नहीं है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो सारे ना आपको ब्लॉग्स मिलेंगे। अभी तक हम ब्लॉग शेयर नहीं कर रहे थे क्योंकि हम लोगों ने रिवील नहीं किया था, बट क्योंकि अब हमने रिवील कर दिया इस चीज को, तो आपको ना हर चीज का ब्लॉग मिलेगा। और एक चीज तो बताती हूँ, मेरा घर ना बहुत मैसी हो रहा था, वो इसकी वजह से हो रहा था। लोग कमेंट कर रहे हैं घर में ऐसे हो रहा है, कैसे सोती हो, कैसे रहती हो यार, एक्चुअली हम कुछ नहीं हो पा रहा है। हमने जब घर परचेज करा उसके बाद हमारे काम वगैरह हुआ, उसके बाद हमें टाइम ही नहीं मिल पाया कि हम अपना घर भी सेटअप कर पाए। बहुत ही ज्यादा टफ टाइम था। तो सब टेंपरेरी बेस पर जो हमें लगा, हमने जो चीज यहाँ रख सकते थे रख दी, वो रख दी, बट अभी भी धीरे धीरे करके काफी हद तक हो गया है। अब आने वाले टाइम में ये भी सेटअप हो जाएगा, हो जाएगा धीरे धीरे। क्या पता है ये चीज एक डिफरेंट है, अगर इसमें भी हम इतनी टेंशन लेंगे घर करना, घर तो एक अपार्ट है, होता रहेगा यार, बट ये जो चल रही है अभी दिस इज रियली नेक्स्ट लेवल है। तो हम लोग चाहते हैं इसे एंजॉय करें, एंजॉय तो नहीं कर रहे अभी, अभी तो चल रही है, कट रही है,
बट हाँ हो जाएंगे चीजें धीरे धीरे. एंड आप किस टाइप के ब्लॉग्स देखना चाहते हो, मेरी क्या मेडिसिन चल रही है अभी, मैं क्या क्या कर रही हूँ, मैं क्या डाइट ले रही हूँ. और अभी हमारे प्रेगनेंसी में एक और सीन है कोविड. हाँ भाई बहुत ज्यादा. अब तो मतलब ये हो गया कि पहले थोड़ा बहुत बाहर निकल भी जाते थे घूमने फिरने, रात में वही हमारी एक आउटिंग हो जाती थी. बट अब तो ऐसा हो गया है कि बिल्कुल भी नहीं निकल सकते. जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे भी सैकड़ों केसेस हैं इस समय. उसके बाद भी फिर चीजें भी बहुत हार्ड हो गई है. लाइक मीट पे भी बहुत एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने पड़ रहे हैं, बाहर का नहीं खा सकते हैं. एक तो प्रेगनेंसी है प्रॉब्लम, ऊपर से उसमें भी कोविड सिचुएशन चल रही है, तो बहुत ज्यादा हमें प्रिकॉशंस लेना पड़ रहा है. प्रिकॉशंस तो ले रहे हैं बट फिर भी ये है कि मतलब जितना ज्यादा चीजें टल सकती हैं अवॉइड हो सकती हैं. बाहर जाना हो गया, जैसे मेड अगर आ रही है उसको सैनिटाइज करना, ये सब चीजें प्रॉपरली मतलब हम लोग कर रहे हैं. क्योंकि ये इस समय क्या है कि वेदिका की इम्यूनिटी भी बहुत इस समय वीक होगी, तो छोटी से छोटी प्रॉब्लम ना एकदम से जल्दी कैच हो सकती है. और फिर मैं मेडिसिन और फिर दवाइयां भी नहीं ले सकते, मतलब कोल्ड की भी नहीं, इवन मेडिसिन नहीं ले सकते. तो हमें ना एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने पड़ रहे हैं. एक्स्ट्रा टफ टाइम चल रहा है हमारा. बिल्कुल बहुत ज्यादा बहुत हार्ड टाइम है. और इस समय मतलब इतना वो हो रहा है ना कि मतलब ऑफिस का भी है साथ में, फिर वेदिका का भी है, फिर खाना वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, कोविड है. ऐसा लग रहा है कि वही सेम वेव अभी आ रही है, और ज्यादा लग रहा है कि अब उससे बड़ी उसमें आएगी, उससे ज्यादा. तो अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या क्या चैलेंजेस रहेंगे हमारे लिए. और हम लोग ने बेबी प्लानिंग जो की है वो प्रॉपर एक प्लानिंग की है. हम लोग चाहते थे बेबी हो, बट लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम नहीं है मतलब एक वो है कि यार बेबी ना हम लोग चाहते थे हो, बट थोड़ा सा टाइम का वो हो गया. लाइक अगर एक दो महीने डिले हो जाता, हम शिफ्टिंग विफ्टिंग प्रॉपर कर लेते तब ज्यादा फार बेटर सिचुएशंस रहती है ना. बिल्कुल. बट कोई नहीं. और कौन सा मंथ है आपको सब नेक्स्ट वाले ब्लॉग में पता चलेगा. एंड कमेंट करना है इस वाले वीडियो के नीचे कैसा लगा हमारा छोटा सा अपडेटेड वीडियो. आई होप अच्छा लगा होगा. एंड इसको ना भर भर के देने आपको लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को मेरे. अब तो मेरे रेगुलर वीडियोस रहेंगे, अभी तक रेगुलर नहीं थे इसी वजह से. और आने वाले व्लॉग्स काफी सारे इंटरेस्टिंग भी रहेंगे. क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या चैलेंज आ रहा है, कैसे जा रहा है, क्या फेस चल रहा है लाइफ का, वो सब आपको देखने को मिलेगा हमारे ब्लॉग. मैं ना स्लैब पे बैठ बैठ के खाना बना रही हूँ इस टाइम पे. और अब तो मतलब बहुत सारी चीजें चल रही है, आपको ना सब धीरे धीरे पता चल जाएंगी. सो ये था छोटा सा अपडेटेड वीडियो. मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वाले प्रेगनेंसी ब्लॉग के साथ. तब तक के लिए बाय.